लास्ट मंदिर रह गया अभी, तो फिर अंदर जा रहे हैं। दिखाता हूँ मैं अगर सिक्योरिटी ना रोकेगी तो। ये लास्ट मंदिर है, मतलब जहाँ दर्शन करें अब घर जाएंगे सीधा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैलाश के व्लॉग्स एंड आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं माता के मंदिर में, तो फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं और फिर मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगा। एंड यहाँ पर ये भाई बोल रहे हैं कि मुझे भी लेके आओ ब्लॉग में। हेलो भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है ना? हेलो, और दिखाते हैं आपको फिर वहाँ जाके। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज बहुत ज़्यादा धूप है और ये देख सकते हैं आप मौसम इतना बढ़िया है वैसे, बट धूप बहुत ज़्यादा है। आज सूरज की तरफ देखा भी नहीं जा रहा, ये देखो। तो फ्रेंड्स अभी मैं पहुंच चुका हूं यहां पर बस अड्डे में, जहां से हम बस में बैठेंगे। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इसलिए मैं उसके छाव में आ गया। और शोर भी बहुत ज़्यादा होगा अब, क्योंकि यहां से गाड़ियां जाती रहती हैं। और फिर अभी मम्मी और उन्होंने आना है बाइक पे, तो फिर अभी वेट करते हैं उनका। अच्छा, यहाँ पे बस लगी पड़ी है। फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं माता श्री सिद्ध शक्ति पीठ माँ त्रिपुरा मालिनी धाम, ये देख सकते हैं आप। एंड इधर का व्यू, धूप इतनी ज़्यादा लग रखी है, पूरे गर्म हो रखा। एंड अंदर जाके बताते हैं, धूप बहुत लग रही है अभी। ये देख सकते हैं आप व्यू कितना अच्छा है। फुहारा चल रहा है वहाँ एंड इतना अच्छा लग रहा है। इधर आके बताते हैं आपको फिर। ये यहाँ के शॉप्स है, ये देख सकते हैं आप दुकानें। एंड यहाँ से तो नीचे अब चलते हैं वहाँ पे, फिर बनाता हूँ ब्लॉग। आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँच चुके हैं माता, जो मैंने अभी बताया था आपको। एंड देखिए व्यू, बाद में अंदर का दिखाता हूँ वैसे आपको। नीचे तो बहुत गर्मी लग रही है, क्योंकि चप्पल जूते चप्पल उतार दिए थे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो फिर मैं ऊपर आया हूँ अभी। इंडिया फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे माता जी के मंदिर में जाते हैं। एंड हम जाते हैं अभी। यहाँ से हमने माता जी का मत्था टेक लिया। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, ये कृष्ण जी की मूर्ति है, जो कि जब उन्हें लेके गए थे उनके वो जो क्या कहते हैं सुदामा, जब लेके गए थे उन्हें उसमें, तो फिर मतलब वो क्या कहते हैं वो नदी से लेके गए थे टोकरी में कृष्ण जी को यशोदा मैया के पास। और ये देख सकते हैं आप। एंड हम चलते हैं अभी, इतना अच्छा व्यू, फिर दिखाता हूँ मैं आपको चलते चलते। फ्रेंड्स से इधर गर्मी बहुत लग रही है वैसे, और नीचे से पैर बहुत तप रहे हैं, बट कोई गल नहीं, हम आपके लिए बनाते रहेंगे। एंड अपने भाई को सपोर्ट ऐसे करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो अगर ब्लॉग पसंद आते, और वीडियो को लाइक कर दिया करो, बस इतने कहना। और ये दिखाता हूँ आपको इधर का व्यू पूरा, ये देखो। एंड पीछे से दिखाता हूँ, वैसे तो अभी गर्मी बहुत लग रही है बट आपके लिए मैं बनाता हूँ। ये माता का मंदिर है अंदर, एंड ये माता की मूर्ति लगाई है बीच में, पता नहीं कौन सी माता है बट माता की मूर्ति लगाई है। एंड यहाँ से देख सकते हैं आप कितना बड़ा मंदिर है,
नीचे से ऊपर तक एंड वहाँ से लोग, और ये देखो यहाँ से वहाँ सामने टंकी है, ये है हमारे भोले शंकर और ये माता का शेर यहाँ से, और यहाँ से देखो ये माता जी है एंड अंदर का बना नहीं देंगे तो बनाऊंगा मैं, तो फिर देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे कृष्ण भगवान है और इधर पे भी कृष्ण भगवान है, बट पीछे जो है ये भोलेनाथ है एंड उस साइड नरसिंह जी है, नरसिंह जी, और इस साइड दुर्गा जी है और दूसरी तरफ संतोषी माता है। और चलते हैं, मम्मी हो रही पता नहीं क्या चलेगी। अच्छा वो सामने है शनिदेव महाराज, और यहाँ से सीधा सामने जाएंगे तो श्री कौन से हनुमान जी है एंड ये देख सकते हैं माता, माता का मत्था देख लेते हैं एंड यहाँ से जाएंगे तो ये शिवलिंग है। ये हम इस बड़े वाले मंदिर में गए थे बट फिर पता क्या हुआ, थोड़े पाँच दस मिनट हमने मत्था टेका एंड मैं वीडियो बना रहा था तो फिर वीडियो भी बन गई थी, बट एक आंटी ने अंदर से दरवाज़ा लगा दिया तो कहते हैं अरे आओ बाहर, सारे गए, सारे बाहर चले गए, बाहर आना पड़ा हमें भी, तो फिर पता नहीं क्यों बोल रहे थे बट वो सफाई वाले लग रहे थे। और क्या कह सकते हैं, आ गए हम बाहर, अब दूसरे मंदिर में जाते हैं सामने वाले, ये देख सकते हैं आप ऊपर से व्यू, इस वाले मंदिर में गया था मैं अभी एंड यहाँ से अभी उधर गुफा है एक, वहाँ जाएंगे फिर हम यहाँ जाएंगे मेन मंदिर में। वैसे मेन सारे ही हैं, सारे भगवान एक जैसे होते हैं एंड भोलेनाथ एंड इसके अंदर बोला मछली है, हाँ दिख रही है बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो फिर बाद में दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो प्राचीन समाधि लिखा है। तो फिर ये देखो रात के लिए लाइट एंड पैर इतने जल रहे हैं ना, इतने जल रहे हैं धूप में क्या बताऊं, एंड छाव में रहने का मन कर रहा है। अभी हम यहाँ से शेर के मुंह से अंदर जाएंगे पर बट इससे पहले हम राम मंदिर में जाएंगे एंड श्री राम जी का मंदिर, और ये हनुमान जी राम जी की सेवा करते हो, और यहाँ पर श्री गुलशन कुमार जी की फ़ोटो लगाई है जो कि भोलेनाथ के और राम भगवान के बहुत बड़े वो थे भगत। तो फिर ये देख सकते हैं ओ टी सीरीज़ के मालिक है वैसे, जो कि मर गए थे, उन्हें गोली मार दी थी किसी ने, बट वो छोड़ो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। एंड फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, अभी मैं मंदिर के अंदर से होके आया हूँ, बट इधर देखने वाला कुछ नहीं है, पंडित जी है एंड भगवान राम की मूर्ति है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी शेर के मुँह में, ये देख सकते हैं आप पहाड़ों में, चलते फिर ये देख सकते हैं आप कितने सारे जा रहे हैं एंड हम भी चलते हैं अभी, ये देख सकते हैं आप लोग जा रहे हैं एक ही मुँह के अंदर से ऊपर जा रहे हैं पहाड़ी में, फिर दिखाता हूँ आपको कल। यहाँ से अंदर जाओ, अरे भाई साहब ये तो बहुत साल पहले आया था मैं इधर, बट आजकल बहुत साल बाद आया हूँ, और यह है गुफा, ये देखो देखो अंदर बल्ब लगा है, पहले तो इधर शायद बल्ब भी नहीं थे, गुफा के अंदर से आ गए और पंडित जी ने तो हमें डरा ही दिया था, कहते मोबाइल बंद करो सीधा, बट कोई बात नहीं और हम तो बनाते रहेंगे बल्ब, पहुँच गए अंदर, मम्मी और ये पता नहीं कहाँ चले गए, वो तो भागी जा रहे हैं एंड पहाड़ी का व्यू दिखाते हैं। ये देखो शेर, और ये देखो वो तो बहुत ऊपर भाग गए भाई, अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर, एक गुफा है जो ऊपर
गुफा नहीं पहाड़ी है ये, तो फिर क्या कहते हैं अभी इधर जाके दिखाता हूँ आपको व्यू। एंड से पहाड़ी का रास्ता है और गर्मी बहुत लग रही है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ पैर हम मेरे जलने वाले हैं, और चलते हैं अभी गुफा में। है गुफा शेर पैर जल जल के। ये भोलेनाथ का हुआ है यहाँ पे, और ये भी एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर मैं अभी, बट पैर बहुत जल रहे हैं बहुत, क्या बोलूँ। ये देखो पीछे एंड फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी, ये लगाई है फोटोस भोलेनाथ की, और यहाँ पर ये पता नहीं कौन है वैसे, मुझे नहीं पता वैसे, ये भोलेनाथ और ये श्री कृष्ण जी है शायद, और यहाँ सीधा एंड हो जाता है यहाँ का इस गुफा का, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये पहाड़ी का अंत हो गया, ये देख सकते हैं आप। और अब यहाँ से जहाँ से हम दूसरे गेट से बाहर आ रहे हैं, जहाँ से अंदर गए थे उसके दूसरे उल्ले साइड वाले, इससे अंदर गए थे एंड इससे बाहर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितना ओम लिखा है, एंड यहाँ से इधर लोग खिंचा रहे हैं फोटो फोटो, एंड सामने देखो ये भोलेनाथ जी और बहुत सारे हैं, ये नंदी जी है और माता रानी और माता शेरा वाली, बहुत सारे हैं। और अब हम यहाँ से तो आ गए थे, वहाँ से भी आ गए थे, बट यहाँ से नहीं आए थे हम, चलो किसी और दिन जाएंगे, बट हम अभी जा रहे हैं इसके अंदर से दूसरी साइड। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे वैसे मेला लगना है अभी, पर पता नहीं कब लगेगा, बट हम तो अभी जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स लगभग हमने सारे वो घूम लिए मंदिर, बट अभी सिर्फ एक ही मंदिर रह गया वो बड़ा वाला, और फिर वहाँ घूमते। एंड इधर मेला भी लगा है पीछे, मैंने आपको दिखाया था अभी, और इधर श्री राम हाल भी है पीछे, ये वाला बहुत बड़ा है, और अभी एक ही मंदिर रह गया, तो फिर चलते हैं उधर। देख सकते हैं आप यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से और यहाँ तक, फिर इससे बाहर जाएंगे हम सीधा, और ये देख सकते हैं आप कितना बड़ा राम हाल है, ये शायद उनके लिए जो कि इधर ठहरना चाहते हैं। और ये देख सकते हैं मेला इधर पे, ये सचिन द्वारा है धर्मशाला, और यहाँ से पार्किंग है, एंड सामने यहाँ से जाएंगे हम अभी अंदर, तो दिखाते हैं। ये इधर का तालाब है जिसके अंदर बहुत सारी मच्छी है, बट आगे सिक्योरिटी बहुत है, तो शायद फ़ोन ना दे खोल लें, तो फिर चलते हैं। लास्ट मंदिर रह गया अभी, तो फिर अंदर जा रहे हैं, दिखाता हूँ मैं अगर सिक्योरिटी ना रोकेगी तो। फिर चलते हैं श्री कृष्ण जी, और ये लास्ट मंदिर, ये लास्ट मंदिर है, मतलब जहाँ दर्शन करें अब घर जाएंगे सीधा। हमने सारे दर्शन कर लिए, फिर आप यहाँ से निकल के घर जाएंगे सीधा। तो फ्रेंड्स इधर पे एक मछली है, बहुत सारी मछलियाँ, और वो सामने माता सरस्वती है, इधर से भी माता टेक आ गए, एंड बहुत सारी मछलियाँ इधर दिख नहीं रही वैसे, बट हम उससे दाना डालते शायद आ जाए। नीचे बहुत सारी दिखाई दे रही है, बस कैमरे में नहीं दिखाई दे रही, वो देखो देखो कितनी सारी है, जो हिल रहा है, जो पानी हिल रहा है उधर पे है मछलियाँ। लास्ट में मत्था टेक के बाहर आ चुका हूँ मैं, बट आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वैसे भी ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, तो फिर इस ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं, एंड आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में। बाय बाय।